हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय नीटिंग चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज आपको एक बूट बना करके दिखाऊंगी जो कि ये न्यू बोर्न बेबी से लेके 2-3 मंथ के बच्चे को आराम से आएगा। आप देख सकते हैं, इसे बहुत ही प्यारा सा जो है बूट है। इसको मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी बनाना। ये वाला हिस्सा जो है स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये है, तो इसमें मैंने यहाँ पे 24 फंदे डाले हैं। 24 फंदे डालने के बाद हमने इसको बुनना है। उल्टा उल्टा बुनूंगी। उल्टा उल्टा जो है देखिए, यहाँ से अगर काउंट करेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइंस जो है इस तरह से हमें यहाँ से लेके यहाँ तक इन 24 फंदों को 12 लाइंस बनानी है। मतलब कि 24 जो है सिलाइयाँ बनानी है। 24 रो इसमें बना के हमने कंप्लीट करनी है। दोनों साइड से उल्टा उल्टा ही बुनना। अगर आप सीधा सीधा बुन रहे हैं दोनों साइड तो सीधा सीधा बुन लीजिए, लेकिन मैंने यहाँ पे इस तरह से उल्टा उल्टा बुन के ही इसे कंप्लीट करूँगी। ऐसे दोनों साइड से देखिए इस तरह से 2 सिलाइयाँ मैं आपको दिखा दूँगी पूरी बना के। फिर उसके बाद जो है इन्हीं 2 सिलाइयों को आपने रिपीट करना है। ऐसे चौबीस फंदे मैंने लिए हैं। लास्ट वाला हम सीधा बुन देंगे। अब दूसरी साइड से देखिए 10 नंबर की सिलाई ले रही हूँ। इसमें 10 नंबर की सिलाई लेने के बाद मैंने जो है इसमें 3 प्लाई की वूल जो है ली है। देखिए 10 नंबर की सिलाई है और 3 प्लाई की वूल है। अब इसको दूसरी साइड से भी उल्टा उल्टा बुनेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से 2 सिलाइयाँ हमने फंदे डालने के बाद ये बना ली। अब इसमें क्या होगा, 2 सिलाइयों में हमारी एक धारी जो है बन के आएगी। तो इस तरह की धारियाँ हमने 12 बनानी है। तो 24 सिलाइयों में हमारी 12 धारियाँ बन के कम्प्लीट हो जाएंगी। उसके बाद का प्रोसेस जो है वो मैं फिर आपको बताऊंगी। इस तरह करने के बाद देखिए लास्ट वाला फंदा हम सीधा बुनेंगे। ऐसे देखिए यहाँ पे 1 धारी हो गई और 1 धारी हमारी यहाँ पे हो गई। देखिए 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। ऐसी ही धारियां बनाते हुए जाएंगे जब तक हमारी जो है धारियां 12 नहीं हो जाती। अब देखिए इतनी सिलाइयाँ बनाने के बाद हमने यहाँ पे कुछ फंदों को बंद करना है। बंद हम कैसे करेंगे, देखिए इस तरह से 2 का 1 बनाया, 1 2 3 4 5 6 24 में से हमने 6 फंदे बंद कर दिए और बाकी बचे फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे इस तरह। अब देखिए यहाँ तक हमारी जो है टोटल रो जो बनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 28 रो हमारी जो है टोटल बनी है। 14 लाइंस बनी है। अब हमने यहाँ पे इसको सीधा बुनना है। ऐसे इस तरह से हम जो है ये 4 सिलाइयाँ सीधी बुनेंगे, फिर 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनेंगे, फिर 4 सिलाइयाँ सीधी और उल्टी बुनेंगे, फिर 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनेंगे। इस तरह करते हुए 1 2 3 4 5 डिजाइन हम जो है इस तरह से बना लेंगे। तो मैं थोड़ा बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए इस तरह का पैटर्न हमारा आएगा। उल्टी साइड से तो हमने यहाँ पे उल्टी उल्टी लाइंस ही बनानी है, लेकिन यहाँ पे ये जो हिस्सा आएगा, ये वाला जो हिस्सा आएगा, इसमें हमने सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से तो जैसे मैंने बताया उल्टा ही आएगा। अब देखिए 1 2 3 4 5, अगर ये वाले डिजाइन भी गिने तो 6 होगा और ये वाला गिने तो 7 होगा, लेकिन बीच बीच में हमने 1 2 3 4 5 डिजाइन जो है बनाए हैं। अब हम इसमें जो फंदे जितने हमने घटाए थे उतने हम यहाँ पे फंदे बढ़ाएंगे इस तरीके से, 1 2 इस तरह से हम बढ़ा लेते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने यहाँ पे कम किए थे यहाँ पे, और 6 फंदे हमने यहाँ पे बढ़ा लिए हैं। तो इन फंदों को इस तरीके से बुनेंगे, 1 2, हमारे पास 24 फंदे ही टोटल होने चाहिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और लास्ट वाला 24। तो इन 24 फंदों को लेके फिर से हमने यहाँ पे ये जितनी सिलाइयाँ बनाई हैं, अगर आप यहाँ से काउंट करेंगे यहाँ से तो हमारी 14 बनेगी, अगर आप यहाँ से काउंट करेंगे तो 12 बनेगी। जैसे कि मैंने 2 सिलाइयाँ बना ली हैं, इसके बाद हम जो है 12 लाइंस और बनाएंगे, मतलब कि 24 जो है रो हमारी और बनेगी। तो जैसा हमने यहाँ पे पोर्शन बनाया है वैसा ही हम यहाँ पे ऊपर बनाएंगे। तो देखिए इसको इतना बनाने के बाद हमने एक एक करते हुए फंदे को बंद कर देना है, मतलब कि हम वाइंड ऑफ करने के बाद हमारा बूट जो है कंप्लीट हो जाएगा। इन 24 फंदों को हम इस तरह से बंद कर देंगे, ऐसे इस तरह से। ये हुआ, एक फंदा आगे वाला लिया, दोनों का एक बना दिया, फिर आगे वाला फंदा लिया, दोनों का एक बना दिया। इस तरह से सारे स्टिचेस को हमने वाइंड ऑफ कर देना है। सभी स्टिचेस को हम इस तरह से वाइंड ऑफ करने के बाद धागे को कट करके इस तरह से ये सारे फंदे हमारे इस तरह से बंद हो जाएंगे। अब इसको सिलेंगे, देखिए ये दोनों पोर्शन हमने इस तरह से लिए, ऐसे, और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इसको सिल देंगे। पहले तो देखिए, पहले ये वाला हिस्सा सिल देती हूँ इस तरह से, यहाँ से यहाँ तक मैं सिल के फिर आगे आपसे मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इस बूट को बैक साइड से और नीचे से इसको सिल के कंप्लीट कर लिया। अब देखिए, अब यहाँ से ये वाला हिस्सा जो है इस तरह से इकट्ठा होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक नोट लगा लेनी है धागे को इस तरह से, और यहाँ से इसे शुरू करेंगे। इस तरह से करने के बाद यहाँ देखिए, इस तरह से हमने ऐसे तरह से यहाँ तक लाएंगे और इस धागे को पकड़ के हम टाइट करेंगे यहाँ से ऐसे। ऐसे ये टाइट हो गया, ये देखिए ये इस तरह से इकट्ठा हो गया है। अब हमने यहाँ पे एक नोट लगा देनी है अच्छे तरीके से। ऐसे फिर ऐसे, फिर एक बार हम जो है धागे को घुमा लेंगे ताकि अच्छे से इसको पक्का कर सकें। ऐसे आप चाहें तो इसे इस तरीके से भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने जो है यहाँ पे थोड़ा मोतियों के साथ इसको जो है बनाया है। आप चाहें तो पॉम पॉम लगा लीजिए इसमें, चाहे तो आप जो है इसमें कोई भी फ्लावर बना के क्रोशिये के साथ इसमें जो है अटैच कर सकते हैं, तो वो भी बहुत सुंदर लगेगा। तो यहाँ से धागे को कट कर लेंगे इस तरह से। अब देखिए, इस सुई में से जो है ये मोती जो है निकलेंगे नहीं। अभी हम क्या करेंगे, दूसरी सुई में इस तरह का बारीक धागा डाल के इसके साथ हम जो है ये मोती लगाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे, देखिए इस तरह से एक दो तीन चार पाँच छः और ये 7, यहाँ पे कितने लगाए हैं 1 2 3 4 5 6 7। अभी देखिए यहाँ से इसको इस तरह से पकड़ेंगे, देखिए फ्रेंड्स इसको इस तरह से ऐसे पकड़ेंगे और फिर इसमें से इस तरह से एक बार हम धागे को घुमाएंगे तो हमारा राउंड जो है कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देखिए थोड़ा अभी इसको पक्का करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए हर एक मोती में से हमने इस तरीके से जो है इस धागे को पास करना। देखिए ऐसे यहाँ पे जो मोती का धागा है यहाँ से हम इसे पास करते हुए जाएंगे, तो अटैच होते हुए जाएंगे हमारे मोती जो है। इस तरह से हो गया, इसको इस तरह से, आसान है तरीका, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस इसको जो है थोड़ा अटैच करने के लिए इसको हम इस तरीके से देखिए यहाँ पे, और ये रह गया इसको यहाँ पे। देखिए बहुत अच्छे से जो है ये मोती हमारे अटैच हो गए। इस तरह से आपने इन मोतियों को अटैच करना है। नीचे ले जा कर के इस धागे को कट कर देंगे अच्छे से एक नोट लगा करके, तो हमारा बूट जो है कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से देखिए, ये बूट को आप इस तरह से भी फोल्ड कर सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। तो अभी इसमें मैंने ऊन का गोला डाला है, जब आप इसमें भी डाल दोगे, देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे से बूट जो है बन के रेडी हुए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।